वेलकम टू द बिजनेस स्टडीज क्लास टूडे वी विल डिस्कस दैट इंडस्ट्रीज दैट आर एस्टैब्लिश इन रूरल बैकवर्ड एंड हिली एरियाज वट टाइप ऑफिस असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू दैम बाई गवर्नमेंट गवर्नमेंट उनकी कैसे हेल्प कर रही है क्या क्या उन्हें स्पेशल हेल्प प्रोवाइड करवा रही है हमने देखा है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो कहाँ होती हैं मेनली या तो बैकवर्ड एरियाज़ में होती हैं या रूरल एरियाज़ में होती हैं या हिली एरियाज़ में होती हैं ऐसा क्यों होता है इसका रीज़न ये है कि इन एरियाज़ में अगर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जाती है तो कुछ स्पेशल उन्हें हेल्प प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट और जो इंडिया की मोस्टली पॉपुलेशन है वो भी इन्हीं एरियाज़ में ही रहती है और इन्हीं एरियाज़ में क्या करती है वो अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करती है और अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए वहाँ के जो लोकल रिसोर्सेज है उसी पर वो डिपेंड रहती है और इंडस्ट्री को जो एस्टेब्लिश करते हैं उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं बहुत ही लिमिटेड होते हैं तो टाइम टू टाइम उन्हें फाइनेंशियल हेल्प uh, की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशन इस्टेबलिश किए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैम लेट डिस्कस फर्स्ट इज़ कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट के स्पेशल इंस्ट्रक्शन से कमर्शियल बैंक के लिए वो क्या करेंगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रायोरिटी बेसिस पर लोन प्रोवाइड करवाएंगी और ताकि सभी स्मॉल इंडस्ट्रीज को टाइमली लोन प्रोवाइड किया जा सके उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके इसीलिए कमर्शियल बैंक की बहुत सारी ब्रांचेज इन एरियाज़ में ओपन भी की गई नेक्स्ट इज़ लैंड डेवलपमेंट बैंक लैंड डेवलपमेंट बैंक ये क्या करता है बैंक लैंड की सिक्योरिटी पर लोन प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म लोन और ये कई पर्पस के लिए लोन uh, प्रोवाइड करता है जैसे कोई ओल्ड लोन है वो पे पे uh, करना है तो उसके लिए भी लोन प्रोवाइड कर देता है मीन्स पुराने लोन को पे करने के लिए एक नया लोन अवेलेबल करवा देता है लैंड परचेज करनी है या लैंड की इंप्रूवमेंट के लिए कुछ करना है उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत है तो उसके लिए भी ये फाइनेंस अवेलेबल कराता है और ये मैक्सिमम ट्वेंटी ईयर्स तक के लिए uh, लोन अवेलेबल करवा सकता है तो लॉन्ग टर्म लोन्स अवेलेबल करवाता है और ये बैंक टू टाइप्स के होते हैं फर्स्ट इज़ स्टेट कॉपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक एंड सेकेंड इज़ प्राइमरी कॉपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं और मीस अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्मॉल जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं नेक्स्ट इज़ रीजनल रूरल बैंक जिसे हम आर आर बीज भी कहते हैं अब रीजनल रि, रूरल बैंक क्या है रीजनल रूरल बैंक स्पेशली इस्टेब्लिश किए गए थे ताकि जो फार्मर्स हैं लेबरर्स हैं आर्टिसंस हैं या जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी फाइनेंशियल नीड को पूरा किया जा सके उन्हें टाइम टू टाइम फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाई जा सके और आरआरबी का इसमें एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन रहा है इनके डेवलपमेंट में स्पेशल कंट्रीब्यूशन रहा है जनवरी नाइन्टी नाइन में टोटल वन नाइन्टी सिक्स रीजनल रूरल बैंक काम कर रहे थे और एट प्रेजेंट फोर हंड्रेड थर्टी सिक्स में फोटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी ब्रांचेज है रीजनल रूरल बैंक की तो इस तरह से रीजनल रूरल बैंक क्या कर रहे हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में अपना पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प नेक्स्ट इज नेबार्ड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेबार्ड फुल फॉर्म ऑफ नेबार्ड इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये इस्टेब्लिश किया गया था ट्वेल्थ जुलाई 1982 को और किस परपज़ से किया गया था जैसे कि इसकी नेम से ही पता चल रहा है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए ये इस्टेब्लिश किया गया था ताकि रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट हो सके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को डेवलप किया जा सके तो उसके क्या फंक्शंस हैं सी फर्स्ट इज़ रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो भी बैंक क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं उनको रीफाइनेंसिंग करने का काम करते हैं इसमें वो सभी लोन्स इंक्लूड हैं जो स्टेट गवर्नमेंट देती है कोऑपरेटिव बैंक्स देती हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक आरआरबी या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराती हैं एग्रीकल्चर के लिए या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए इंस्पेक्शन ऑफ आर आर बीज या आर आर बी की इंस्पेक्शन का काम भी करता है और आर आर बी की फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है फॉरेन हेल्प अगर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए फ़ॉरन हेल्प की ज़रूरत होती है तो नेबार्ड फ़ॉरन हेल्प भी प्रोवाइड करवाता है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज के लिए नेक्स्ट इज़ इंस्टीट्यूशन रूरल क्रेडिट रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पूरे एफर्ट्स करता है और जो रिकग्नाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस परपज़ के लिए लोन प्रोवाइड करवा रही हैं रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो रोल लोन प्रोवाइड कराती है उन्हें ही क्या करता है ये लोन प्रोवाइड कराता है क्रेडिट अलाउ कर करता है नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन क्रेडिट किसी भी एमरजेंसी के टाइम नेचुरल क्लेबिटीज़ है या वॉर का टाइम कोई भी ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जब तो ये बैंक कंसेशनल रेट पर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अदर इंस्टीट्यूशंस को लोन प्रोवाइड करवाता है एजेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड रिज़र्व बैंक नेबार्ड जो है वो गवर्नमेंट एंड रिज़र्व बैंक के एजेंट की तरह काम करता है और रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट और रिज़र्व बैंक की हेल्प करता है एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए पूरी एफर्ट्स करता है कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा सके और रूरल एरियाज़ में बैंकिंग फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग रिसर्च और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम भी करती है तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ नेबार्ड तो इस तरह से नेबार्ड एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए एफर्ट्स करता है नेक्स्ट इज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ ये भी क्या है एक तरह की कॉपरेटिव सोसाइटीज़ है कॉपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था तो ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ही हैं जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करती हैं अपने मेंबर्स को और इसके मेंबर्स कौन बनते हैं जो विलिंगली इसको ज्वाइन करते हैं अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए नेक्स्ट इज सिडबी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिडबी द स्मॉल इंडस्ट्रियल द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का जो मेन एम था वो क्या था स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराना था और ये फाइनेंशियल हेल्प के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड कराता है तो अस सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सिडबी फर्स्ट इज़ टू बिगिन टेकिंग स्टेप्स फॉर द टेक्निकल प्रोग्रेस एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज़ क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं वो लेबर ओरिएटेड होती हैं तो उसमें टेक्निकल एडवांसमेंट के लिए टेक्निकल प्रोग्रेस के लिए मॉडर्नाइजेशन के लिए ताकि उसमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक भी यूज की जा सके उसके लिए क्या करता है ये हेल्प करता है टू प्रोवाइड हेल्प इन डेवलपिंग द मार्केट फॉर द स्मॉल इंडस्ट्रीज स्मॉल इंडस्ट्रीज की एक मेन प्रॉब्लम क्या है कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उन्हें हेल्प चाहिए होती है तो सिड भी क्या करता है उनके लिए मार्केट अवेलेबल कराता है उनको प्रोडक्ट सेल करने में हेल्प करता है री फाइनेंसिंग द लेबर डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज़ जो लेबर और इंडस्ट्रीज़ होती हैं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ लेबर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है उनको रीफाइनेंसिंग का काम करता है टू प्रोवाइड लोन ऑन ईजी टर्म्स ईजी टर्म्स पर लोन प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को मीन्स ईजी टर्म्स का मतलब है कि वो ईज़िली अपने लोन का क्या कर सकें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकें लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करवाना दट इज़ ईजी टर्म्स टू मेक अवेलेबल द फैसिलिटी ऑफ फैक्टरिंग उन्हें फैक्ट्रिंग की फैसिलिटी अवेलेबल कराता है फैक्ट्रिंग का क्या मतलब है कि जो कस्टमर्स हैं जो क्या करते हैं गुड जिनको बिजनेस क्या कर रहा है क्रेडिट पर गुड्स सेल कर रहा है उनके लिए क्या कर देता है ये एडवांस पेमेंट करता है उन डेटर्स की बिहाफ पर ही पेमेंट कर देता है एडवांस बिजनेस को और डेटर से खुद कलेक्शन का, का काम करता है तो जो बिज़नेस है उससे क्या मिल जाता है एडवांस में पेमेंट मिल जाता है और कलेक्शन का काम उन्हें खुद नहीं करना पड़ता डेटर से डेटर से कलेक्शन का काम कौन करता है सिट भी करती रहती है बाद में तो इस तरह से सिट भी क्या कर रही है जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह की हेल्प प्रोवाइड करवा रही है ताकि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो सके नेक्स्ट इज़ एन एस आई सी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड ये कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश की गई थी नाइनटीन फिफ्टी फाइव में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी मेन प्रॉब्लम क्या होती है शॉर्टेज ऑफ फंड्स फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर पाती अपने बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए आ, अच्छी मशीनरीज नहीं परचेज़ कर पाती हैं और इसकी वजह से कई अपॉर्चुनिटीज़ इनके हाथ से स्लिप हो जाती है तो स्मॉल बिजनेस की इन्हीं तरह त्रेक, इसी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एन एस की गई थी जो एन है इसका जो हेड ऑफ़िस है वो न्यू डेली में है और इसके चार रीजनल ऑफिसज़ हैं जो कि न्यू डेली मुंबई कोलकाता और चेन्नई में है एंड बिसाइड दिस इलेवन ब्रांच ऑफिस भी हैं डिफरेंट सिटीज़ में तो लेट अस सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन एस के क्या फंक्शंस हैं फर्स्ट इज़ प्रोवाइड इंडिजीनियस एंड इम्पोर्टेंट मशीनरी ऑन हायर परचेज बेसिस हायर परचेज बेसिस पर ये जो इंडिजीनियस है और इम्पोर्टेंट मशीनरी क्या करती है अवेलेबल कराती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इंडिजीनियस मीन्स डेट इज अवेलेबल विद इन द कंट्री इंपॉर्टेड मीन्स जो हम बाहर से दूसरी कंट्रीज से परचेज करते हैं प्रोवाइड्स वेरियस इक्वमेंट ऑन लीज बीज बेसिस पर क्या करती है जो अलग अलग तरह के इक्वमेंट्स की जरूरत होती है स्मॉल बिजनेस में वो अवेलेबल कराती है लीज मीस लॉन्ग टर्म के लिए रेंट पर अवेलेबल कराना एक तरह से यू कैन से प्रोवाइड स्केयर्स रॉ मटेरियल ऐसा मटेरियल जो जिसकी स्केयरसिटी है जिसकी कमी है बहुत ही मुश्किल से जो अवेलेबल होता है वो प्रोवाइड करती है असिस्ट इन मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एस एस आई एस एस आई जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है उसकी मार्केटिंग में हेल्प करती है उसको सेल करवाने में हेल्प करती है हेल्प इन एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ एस एस आई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी फॉरेन कंट्रीज में भी डिमांड होती है पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो उन्हें खुद सेल नहीं कर पाती है तो एक्सपोर्ट करने में उनकी हेल्प एन एस आई सी करता है प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द वर्कर्स ऑफ एस एस आई इन वेरियर ट्रेड्स एस एस आई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं एस एस आई मीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्योंकि वर्ड बार बार आ रहा है एस एस आई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो 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 में वर्कर्स काम करते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम करता है डिफरेंट तरह की फील्ड में ट्रेनिंग देता है उन्हें ताकि वो अपना काम ज्यादा परफेक्शन से कर सकें हेल्प्स इन अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करने में लाने में प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है अंडरटेक कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इस्टेट्स इंडस्ट्रियल स्टेट्स क्या होते हैं प्लेस वेयर द रिक्वायर्ड फैसिलिटीज एंड फैक्ट्री अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड तो ये इंडस्ट्रियल स्टेट्स की कंस्ट्रक्शन में भी हेल्प करवाता है प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए टाइम टू टाइम एडवाइज की जरूरत होती है एडवाइस भी हेल्प अवेलेबल करवाता है एन एस आई सी प्रोवाइड रॉ मेटेरियल रिजनेबल रेट कम रेट पर रिजनेबल रेट पर एस एस आई को जो रॉ मटेरियल चाहिए प्रोडक्शन के लिए वो अवेलेबल करवाता है तो इस तरह से एन एस आई सी क्या करता है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल हर तरह की हेल्प प्रोवाइड करवाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर जिसको हम डी आई सी भी कहते हैं ये डिस्ट्रिक इंडस्ट्री सेंटर तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या करती है के डेवलपमेंट के लिए काम करती है तो डिस्ट्रिक इंडस्ट्रीज सेंटर का कंसेप्ट आया था नाइनटीन सेवेंटी सेवन में गवर्नमेंट ने जब नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की थी ट्वेंटी थर्ड दिसम्बर नाइनटीन सेवन सेवेंटी सेवन को तो उसमें मेन फोकस क्या था कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं कॉटेज इंडस्ट्री हैं या विलेज एरिया में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए क्या करना है कुछ काम करना है तो इसीलिए डीआईसी की को एस्टेब्लिश किया गया था इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी फर्स्ट मे नाइनटीन सेवेंटी एट को और इसका मेन पर्पस क्या था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो भी नेसेसरी सर्विसेज चाहिए उसको एक प्लेस पर अवेलेबल करवाना डीआईसी की uh, को सेटअप करने के लिए जो फाइनेंस का अरेंजमेंट है वो कौन करता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वली कंट्रीब्यूट करके करती है और लैंड वर्कशेड और रॉ रॉ मटेरियल एट्सट्रा अवेलेबल कराने के लिए जो डीआईसी है वो डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्री के अंडर काम करता है और डी में जो हेड होता है वो जनरल मैनेजर होता है और तीन प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को टेक केयर करते हैं नाउ लेट अस सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डीआईसी। फर्स्ट इज़ एक्ट एज फोकल पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना ही इनका मेन फंक्शन होता है आइडेंटिफाइज प्रोजेक्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स फॉर सेटिंग अप ऑफ एस एस आई यूनिट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए ये प्रोजेक्ट्स और एंटरप्रेन्योर को जो कि क्या कर सके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करे उन्हें आइडेंटिफाई करती है एस एस आई यूनिट को परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करती है एस एस आई को लोन के लिए वर्कशेड की या रॉ मेटेल की जो भी एडसेक्टर जो भी उन्हें चाहिए फैसिलिटीज़ जो भी चाहिए वो फैसिलिटीज़ ये अवेलेबल कराता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के प्रोविजन के अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कई तरह के इंसेंटिव्स अवेलेबल करवाता है रिकमेंड करता है एसएसआई यूनिट को मार्केटिंग हेल्प प्रोवाइड करता है तो इस तरह से एसएसआई की प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प करता है एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द एंटरप्रेन्योर्स एंड द लीड बैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योर और डिस्ट्रिक्ट का जो मेन बैंक है उसके बीच में एज अ लिंक का काम करता है मींस ताकि जो एंटरप्रेन्योर है उसे अपने डिस्ट्रिक्ट के बैंक से टाइम टू टाइम फाइनेंशियल हेल्प मिलती रहे इम्प्लीमेंट्स गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जो एजुकेटेड एम्प्लॉयड है मीन एजुकेटेड है तब भी वो एम्प्लॉइड अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की है उनको इम्प्लीमेंट करता है हेल्प एंटरप्रेन्योर्स इन ऑप्टेनिंग लाइसेंस फ्राम द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाटर सप्लाई बोर्ड एटसेट्रा और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इलेक्ट्रिसिटी वाटर एटसेट्रा हेल्प लेने के लिए जो लाइसेंस की ज़रूरत होती है उसमें ये एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करता है ताकि उन्हें जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाटर सप्लाई बोर्ड एटसेट्रा से लाइसेंस मिल सके प्रोवाइड असिस्टेंस टू द एंटरप्रेन्योर्स टू प्रोक्योर इम्पोर्टेड इम्पोर्टेंट मशीनरी एंड रॉ मटेरियल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बिज़नेस के लिए जो भी अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो भी मशीनरीज और रॉ मटेरियल एटसेट्रा चाहिए वो टाइम टू टाइम इन्हें प्रोवाइड कराता है तो इस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर हैं वो फ़ाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल हर तरह की हेल्प प्रोवाइड करवाता है ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो सके डिस्ट्रिक्ट लेवल